हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना आईबीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से जितने भी टॉपिक आपके, जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, है ना, फिर उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य, डांस और दर्रा, आपका नदी बांध, और यहाँ से क्या क्या अभी फिलहाल में जो करेंट अफेयर बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है उसको 2000 में आपको 27वां राज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है 27वां, भारत के 27वें राज्य के रूप में। ये उत्तराखंड का मैप है आपका। ये उत्तराखंड जो है आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से ये आपका बॉर्डर साझा करता है। ये जो उत्तराखंड बना था आपका 2000 में, वो उत्तर प्रदेश से ही अलग होके बना था, ठीक ना। उससे पहले इसका उत्तराखंड का जो नाम था उत्तरांचल था। जब उत्तर प्रदेश से ये 2000 में अलग हुआ था तो इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया आपका, उत्तराखंड रख दिया गया, ठीक ना। और ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो चीन के साथ और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है। देखिए, इसकी राजधानी जो है आपका देहरादून है। जिला इसमें कितने टोटल है, 13। हिंदी और संस्कृत यहाँ की भाषा है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होता है। यहाँ का राज्यपाल है गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के आपका मुख्यमंत्री है फिलहाल में। यहाँ पे विधानसभा सीट 71 सीट है और जो राज्यसभा सीट है वो 3 है और लोकसभा सीट कितना है, 5 है। उत्तराखंड जो होता है यहाँ पे उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है आपका। उत्तराखंड राज्य का गठन आपको अभी बताएं 2000 ईस्वी में हुआ था। 2007 में इससे उत्तरांचल से उत्तराखंड में नाम में परिवर्तित कर दिया गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क के, कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला नेशनल पार्क है आपका जीम नेशनल पार्क, जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको आप हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित होता है। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि ये एशिया और भारत का बोले तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया, फिर 1957 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, ठीक ना, जो जिम कॉर्बेट के नाम पे है, जो कि एक नेचुरल प्राकृतिक प्रेमी थे, उनके नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1 नवंबर 1973 देश का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया, ठीक ना, टाइगर रिजर्व के रूप में। इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया जाता है, इसको 1 नवंबर 1973 को, ठीक ना। तो पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशिया और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल पार्क, जो कि गोविंद नेशनल पार्क जो 1980 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे जो कुछ जीव पाए जाते हैं वो है भूरा भालू, कस्तूरी मिर्ग, हिम तेंदुआ, काला भालू, मोनाल आदि। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चलिए हम चलिए बात करेंगे के बारे में। अगला है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपका है, जो कि 1931 में पर्वतरोही सिडनी स्माइथ ने जैसे कि एक पुस्तक लिखी थी फूलों की घाटी, ठीक ना, फूलों की घाटी खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतरोही फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने की, ठीक ना। 1947 में अपनी पुस्तक में फूलों की घाटी में प्रकाशित किया, इसको क्या किया, फूलों की घाटी में इसको 1947 में एक पुस्तक लिखी फूलों घाटी,
उसी में इसको इसके बारे में हुए एक न्यूज प्रकाशित किए, ठीक ना। फूलों की घाटी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया और 2005 में फूलों की घाटी वर्ल्ड हेरिटेज में आपको शामिल किया गया, ठीक ना, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। चलिए, तो ये हो गया तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है राजा जी नेशनल पार्क, जो कि आपका हरिद्वार देहरादून में है। ये 1983 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक ना। तो ये आपका राजा जी नेशनल पार्क हो गया। अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में, उसका डेट इम्पोर्टेंट नहीं कि कब इसकी स्थापना हुआ था। असल आपको बस नाम याद रखना है कि ये नेशनल पार्क हम लोग का यहाँ पे उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क हो गया और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया। चलिए, अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड का एक काफी खूबसूरत ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग कुछ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ पे है और भी है, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से वहीं हम लोग बात करेंगे। विंसर वन्य जीव अभयारण्य, अस्कोट अभयारण्य, बेनोग वन्य जीव अभयारण्य, जबरखेत वन्य जीव अभयारण्य, ठीक ना, कंचूला कोरम कस्तूरी मृग अभयारण्य। तो ये आपका पांच इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य है। विंसर वन्य जीव अभयारण्य, अस्कोट अभयारण्य, बेनोंग वन्य जीव अभयारण्य, जबरखेत वन्य जीव अभयारण्य, कंचुला कोरक कस्तूरी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक ना। तो ये आपका वन्य जीव अभयारण्य हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डांस के बारे में, जो कि यहाँ पे झोलिया डांस है आपका, है ना, झोला डांस है आपका, मैली है, तांडी है, ठीक ना, छपेली डांस है आपका, लंगरवीर नृत्य है, झोला है आपका, थरिया है, जागर है, ठीक ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो छोलिया और आपका यहाँ पे छपेली डांस एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो झोलिया और छपेली, झोला, ये सब आपका कहाँ का डांस है? तो उत्तराखंड के डांस है। चलिए, एक बार इसको क्या कीजिएगा, आप सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो आपको ये सारा मतलब कि कंफर्म हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ट्रिक से याद ना करें, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो अपने से, हाँ, ट्रिक आप बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। आप जो भी आपको उचित लगता है वो ट्रिक अपने से बनाया हुआ ट्रिक याद रहता है, ठीक ना। अगर हम कोई ट्रिक से आपको याद कराते हैं ना तो वो आप तुरंत भूल जाएंगे, कितना, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक यहाँ पे हम लोग लाना पड़ेगा और बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आप कितनों को ट्रिक से याद कर पाते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला हो गया दारा हम लोग का। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसको नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को एक साथ उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि आगे जियोग्राफिकली आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये उत्तराखंड है, यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक ना, यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो एक आपका माइंड सेटअप हो जाएगा उत्तराखंड के बारे में। इससे कोई भी आसपास क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अगला आपका दर्रा के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में बात करेंगे। माना दर्रा है आपको, माना दर्रा उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है, जो माना दर्रा को मानाला चीर अथवा डूंगरी लाभ के नाम से भी जाना जाता है। इसको अलग अलग नाम से जानते थे, मानाला चिरबित्तिया, ठीक ना, डूंगरीला, ला का मतलब होता है दर्रा, ठीक ना, जैसे आप पढ़िएगा सिक्किम में भी ला नथुला दर्रा ये सब दर्रा आता है, तो ला का मतलब कहीं पे आ गया तो इसका मतलब होता है दर्रा। दर्रा क्या होता है? एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो पहाड़ों के बीच से गुजरता है, ठीक ना, पहाड़ों और पर्वतों के बीच से जो रास्ता गुजरता है ना उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो ये हो गया माना दर्रा आपका, जो कि मणिभद्र आश्रम से निकला है, जो माना शहर का प्राचीन नाम है, ठीक ना, भारत के मणिभद्र आश्रम है आपका, वहाँ से ये निकला है और इसी का प्राचीन नाम, माना शहर का प्राचीन नाम मणिभद्र है।
भारत के लोग इस दर्रे से होकर मानसरोवर कैलाश पर्वत को जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने के लिए किस दर्रे से होकर, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर जाया जाता है, तो आपका है माना दर्रा। ठीक ना, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए हमारा ये दर्रा का प्रयोग किया जाता है, जो कि NH7 का अंतिम छोर है। अगला हो गया नीति दर्रा। नीति दर्रा आपका जो कि ये आपको नीति दर्रा है, देखिए पहाड़ों के बीच में नीति दर्रा, ये नीति दर्रा नीति गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पे नीति गांव है। ठीक ना, नीति गांव जोशी मठ से 48 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नीति दर्रा की ऊंचाई आपको दिया गया है यहाँ पे, जो उत्तराखंड में तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड को और तिब्बत को क्या कहते हैं, नीति दर्रा हमारा जोड़ता है तिब्बत और उत्तराखंड को, है ना, जोड़ता है आपका। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक ना, चूंकि 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उसमें इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है लिपू लेक दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। पिथौरागढ़ को तिब्बत को तकलाकोट शहर से जोड़ता है। ठीक है, ये जो है पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है लिपू लेक दर्रे, इसे लिपू लेक ला भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत भाषा में ला का मतलब अर्थ होता है दर्रा। भी बताए थे कि दर्रा का मतलब होता है दर्रा आपका, है ना। इसकी ऊंचाई 3334 मीटर है। यह दर्रा भारत के मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस दर्रे का भी अगर हम लोग देखा जाए प्रयोग, जो कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना, सड़क परियोजना 8 मई इस पे के सड़क बनाया गया 90 किलोमीटर धार चूला लिपुलेख सड़क, जिसका नाम है 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक ना, तो इस पे एक सड़क बनाया गया जिसका नाम है धार चूला लिपुलेख सड़क परियोजना। तो ये हो गया तीन दर्रा आपका, पहला हो गया माना दर्रा, दूसरा हो गया नीति दर्रा और तीसरा हो गया लिपुलेख दर्रा। चलिए अब लोग कुछ नदी के बारे में बात करते हैं कि नदी कौन कौन सी नदी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड नदी प्रवाह तंत्र। ठीक ना, तो ये टोंस नदी आप जानते हैं यमुना नदी का सहायक नदी है। यमुना नदी है आपका भागीरथी है, विष्णु गंगा, धवल गंगा, पिंडार, सरवी नदी। ठीक ना, ये अलकनंदा है, भागीरथी है आपका, सोन नदी है, गंगा नदी जो कि आपका देवप्रयाग से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, तो गंगा नदी है आपका। तो ये सारे नदी कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात करेंगे थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक ना, तो गंगा नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए ये होता है आपका यहाँ पे भागीरथी का उद्गम, ये भागीरथी नदी यहाँ से उद्गम होती है जहाँ पे, इसको बोलते हैं गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद है आपको, भागीरथी नदी यहाँ से आपका का उद्गम होता है, और ये भागीरथी नदी आती है आपको, फिर इधर से जो अलकनंदा नदी आती है उसको दोनों मिलते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, है ना। और यहाँ से ये जो देवप्रयाग में गंगा नदी, इसको इसका नाम दिया जाता है गंगा, लेकिन इससे पहले इसका नाम होता है भागीरथी और इधर नाम होता है आपका क्या, अलकनंदा। ठीक ना, इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा में बहुत सारी नदी आपका आके जुड़ती है, उसका भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला तो भागीरथी, और आपका पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका NTPC एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन था, देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है आपकी यहाँ पे, तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, और वहां से वो गंगा का गंगा नदी बन जाती है। ठीक ना, फिर आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा,
ओली गंगा। और अलकनंदा के मिलने से जहाँ पे मिलन होता है धौली गंगा, और जहाँ पे अलकनंदा मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तीसरा है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में आपका नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है, ठीक ना, अलकनंदा। चौथा है आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग है आपका। तो कर्ण प्रयाग में आपका पिंडर नदी और अलकनंदा मिलती है, ठीक ना। अलकनंदा, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा मिलती है, वो हो गया रुद्र प्रयाग, जिसमें आपको मंदाकिनी बोलेंगे हम लोग, मंदाकिनी। अलकनंदा, तो आपको ये पांच स्थान याद रखना है। पहला हो जाएगा आपको विष्णु प्रयाग, जहां पे आपको धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। फिर आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे आपको नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। फिर आता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग जहाँ पे आपको पिंडर और अलकनंदा मिलती है। फिर आता है आपको रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग जहाँ पे आपको मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। तो ये आपको क्रम से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। और ये लास्ट हो गया देव प्रयाग, जहाँ पे आपको क्या होती है गंगा और भागीरथी मिलती है, वो देव प्रयाग होता है। इधर से एक और नदी आती है आपको, जो कि आपको प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में आके इलाहाबाद में आपको गंगा से मिलती है। ये भी नदी आपको इधर प्रवाहित होती है उत्तराखंड में, यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से ये निकलती है, ठीक ना। जो बात कर रहे थे हम लोग टोंस नदी का, ये यमुना नदी का ही आपका सहायक नदी होती है, ठीक ना। तो ये आप गंगा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट आप याद रख सकते हैं, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड ये आपका है। चलिए अगला बात कर रहे थे हम लोग, नदी हो गया आपका बांध के बारे में, टिहरी बांध, जो एशिया और भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका। यह राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। यह भागीरथी नदी पे बना है। टिहरी बांध की ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। ये 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, 2400 मेगावाट, ठीक ना। तो ये आपका हो गया टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे अवस्थित है। धौली गंगा बांध, जो कि धौली गंगा नदी पे स्थित है, 2005 में बनाया गया, इसकी ऊंचाई 56 मीटर है। तीसरा है राम गंगा बांध, जो कि उधम सिंह नगर जिले में कालागढ़ क्षेत्र में रामगंगा नदी पर स्थित है, 1715 मीटर और 128 मीटर ऊंचा है इसकी लंबाई और ऊंचाई। 450 मेगा यूनिट जल विद्युत उत्पादन करता है, ठीक ना। कोंटेश्वर बांध, जो कि आपका एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, भागीरथी नदी पर बना है, ये भी आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है, कोंटेश्वर बांध, कोंटेश्वर बांध, ठीक ना। तो ये आपका बांध हो गया। ये इछाड़ी बांध है, जो कि आपको उत्तराखंड में विद्युत निगम के तहत बना, यह डैम देहरादून में टोंस नदी पर बना है, ठीक ना। देहरादून में टोंस नदी पर इछाड़ी बांध बना हुआ है, ये भी बांध आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे बांध हो गए कुछ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग, टिहरी बांध, धौली गंगा बांध, जो कि धौली गंगा नदी पे है, राम गंगा बांध, जो कि आपका राम गंगा नदी पे है, कोंटेश्वर बांध, जो कि भागीरथी नदी पे है आपका, इछाड़ी बांध, जो कि टोंस नदी पे है, ठीक ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में
योजना है उसके बारे में देख लेते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है आपका। जो कि पहला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक ना, उद्यान खिलाड़ी उद्यान योजना जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा चलाया जाता है आपको। ये क्या है योजना इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य बिंदु इसका है कि खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत हर साल 39 नवोदित खिलाड़ी को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें से 1950 लड़के होंगे और 1950 लड़कियां होंगी शामिल होगी, जिनका उम्र 14 से 23 साल के बीच होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको 39 नवोदित खिलाड़ी को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक ना। तो यह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी योजना। अगला है उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू किया गया स्टार्टअप दिंगतारा इस प्रयोगशाला का निर्माण करेगा, ठीक ना। मुख्य बिंदु यह है कि वेधशाला पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के सूक्ष्म कणों की निगरानी करेगा। यह अंतरिक्ष में स्थिति जन्य है, ठीक ना। तो यह आपका उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला। चलिए अगला पॉइंट क्या है, उत्तराखंड दिवस जो मनाया जाता है आपको बताया कि 9 नवंबर की इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड राज्य की 27वें राज्य के रूप में जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है, तो हर एक साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। 1994 में इस राज्य को बनाने की मांग उठती और 2000 में इसको 27वां राज्य के रूप में बनाया जाता है। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम जो कि वित्त मंत्री सीतारमन ने अपने बजट भाषण में घोषणा किया कि सरकार वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी सुधार के लिए काम करे जा रही है, ठीक ना। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम क्या है आपका, तो वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में विवरण नहीं दिया, लेकिन कुछ इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया कि हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के साथ भारत की सीमा का साथ गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार, चीन के साथ जो गांव लगे हुए उनके बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, ठीक ना। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों पर निर्माण किया जाएगा। तो ये है वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तराखंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई थिंक कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे बात किए उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आई होप इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा और एक दो बार रिपीट कीजिएगा। आई थिंक सारा चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी, याद हो जाएंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य में नई उत्तराखंड राज्य में नई वन नीति कब लागू की जाएगी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक ना। और वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, चूँकि हम लोग यहाँ पे हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे, जितने भी इंडिया के हमारे स्टेट होते हैं, जितने भी इंडिया के स्टेट बन सकते हैं हैं, उन सारे स्टेट के बारे में आपको जानकारी मतलब यहाँ पे देखेंगे। अगर आप लोग का सही हो रहा तो इससे क्या होगा कि हम लोग का सारा जियोग्राफिकली स्टेट के बारे में क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हैं, पूरा इंडिया के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कोई भी करेंट अफेयर या कोई भी न्यूज या कोई भी चीज़ अगर ऐड होता है तो उसमें आप ऐड करके इस चीज़ों को रिलेट करके देख सकते हैं। और इन सब पॉइंट से भी आपको बहुत सारे डैम, नेशनल पार्क, वाइल्ड रिजर्व, ये सारी चीज़ों से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो प्लीज़ एक बार और बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।